कोर्ट में केस फाइल करने से पहले ही डर लगना शुरू हो जाता है और इस बात को लेके कि आखिर समय कितना लगेगा, ना जाने पैसा कितना लग जाए। और अगर मैं आपको कोई ऐसा सेक्शन, ऐसा प्रोविजन बताऊं जहां पर आपका काम जल्दी हो सकता है, तो नमस्कार, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रेफरेंस लेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, जहाँ हम बात करेंगे सेक्शन 40B की, जो बात करता है कि जल्द से जल्द, फटाफट, तुरंत डिस्पोजल होने चाहिए किसके केसेस के। अगर पति पत्नी के बीच का विवाद, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, एक रहना चाहता है एक नहीं रहना चाहता, ऐसी स्थिति में, या दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवार में क्लेश है, तकलीफ है, परेशानी है, ऐसी स्थिति में भी अगर आप जुडिशल सेपरेशन के लिए जा रहे हैं, या कानूनी तरीके से दोनों अलग अलग होना चाहते हैं, या तलाक के अगर केसेस हैं, तो इन सभी मामलों में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है सेक्शन 40B, जहाँ पर फटाफट यानी तुरंत, जल्दी डिस्पोजल ऑफ केस की बात होती है, केसेस को तुरंत खत्म करने की बात होती है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर लिमिटेशन भी है क्या इसमें। जी हाँ, लिमिटेशन है। अगर आपका कोई भी फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आप गवर्न करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो आपके पास सेक्शन 40B काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन है, जो डिस्पोज ऑफ एवरी पिटीशन विद इन 6 मंथ की बात करता है। यानी आपने केस फाइल किया, 6 महीने के अंदर आपका केस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हमारे यहाँ तो 6 साल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर जो फैमिली कोर्ट है या जो ट्रायल कोर्ट है, आपकी पिटीशन में काफ़ी ज़्यादा अगर समय लगाती है, तो आप सेक्शन 40B का रेफरेंस लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं, या हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट को या जो भी ट्रायल कोर्ट है उसे डायरेक्शन देगी कि आप सेक्शन 40B का कंप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी पिटीशन को 6 महीने के अंदर ख़त्म कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप 6 साल किसी केस को लड़ने वाले हैं, अगर आपके केस में कुछ अर्जेंसी है, तो आप अपने मामले को, अपने केस को 6 महीने के अंदर भी डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। 6 महीने कब से काउंट होते हैं ये भी जरा समझ लेना इंपॉर्टेंट है। सर्विस ऑफ नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, इट मींस जो विपक्षी है, जो दूसरा पक्ष है, उसे नोटिस जाने के 6 महीने। आपने पिटीशन फाइल की, अगर आप वाइफ हैं, आपके हस्बैंड को नोटिस रिसीव हुआ, और जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ उस दिन से 6 महीने के अंदर पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। और अगर ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट ऐसा नहीं करती, तो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अपील के केसेस में कैसा होगा, मतलब आपने ट्रायल कंप्लीट किया, कंक्लूड किया, कोर्ट ने फेवर या अनफेवर में जजमेंट या डिक्री पास किया, अब स्थिति ये बनेगी कि आप हायर कोर्ट में जाएंगे। अगर फैमिली कोर्ट ने किया, तो एज ऑब्वियस आप हाई कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर जो स्थिति है वो 3 मंथ्स की है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। यानी जो अपील के केसेस होंगे वहाँ पर 3 महीने के अंदर निराकरण करना है, और जो फ्रेश पिटीशन होंगी वहाँ पर सेक्शन 40B में जो प्रोविज़न दिया गया है वो आपको 6 महीने का टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करता है। अब कुछ अगर अर्जेंसी है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाके आर्टिकल 226 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल करेंगे, या डायरेक्शन आपको जो सबॉर्डिनेट ट्रायल कोर्ट है या फैमिली कोर्ट है उसके लिए हाई कोर्ट कर देगी। कुछ अर्जेंसी भी होनी चाहिए। अगर अर्जेंसी है, जैसे बहुत ज़्यादा लंबे समय से आपका जो प्रकरण है, जो मामला है, जो केस है, पेंडिंग चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी स्थिति, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टीज़ का लॉस कॉज हो रहा है। तीसरा, जहाँ पर आपके मेडिकल प्रॉब्लम आ रही हैं। चौथा, अगर रीमैरिज का भी कोई इशू है, वहाँ पर भी आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं। और पांचवा, जहाँ पर किसी पार्टी को आउट ऑफ इंडिया जाना है, चाहे जॉब के लिए या किसी और रीज़न से, वहाँ पर भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ ना कुछ आपके पास इम्पॉर्टेंट रीज़न होने चाहिए जिसे आप सेक्शन 40B में कंक्लूड कर सकें, या अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 226 27 में रिट पिटीशन फाइल करते हैं, वहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ अर्जेंसी ज़रूर होनी चाहिए। आप अपने मैटर को जल्दी निपटाएं और सेक्शन 40B स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जो कानून है उसे ज़रूर ध्यान रखें। ध्यान हमें भी रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें हमारे साथ। कानून की जो जानकारी है इसी चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको देने का प्रयास करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी परेशानी, कानूनी समस्या के लिए करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा आपका जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे मिलता है, इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।